यूपी की राजधानी लखनऊ में आज बहुत अहम बैठक हो रही है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में यूपी सरकार के 30 मंत्री शामिल हैं जिन्हें 10 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इससे पहले कल दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी जो कि यूपी बीजेपी चीफ हैं उनसे मुलाकात की, जिसमें ये कहा जा रहा है कि उपचुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि इस मुलाकात में केंद्रीय नेतृत्व ने केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ मुलाकात करके यूपी में जो खराब प्रदर्शन रहा लोकसभा चुनाव पर, इसी पर ही फीडबैक लिया है और इसी से जुड़ी हुई आज की बैठक भी बताई जा रही है। तो बड़ी बात ये कि लखनऊ में उपचुनाव को लेकर अहम बैठक जारी है। 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर योगी ने बैठक बुलाई है। 30 मंत्रियों को 10 सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, 30 मंत्रियों को, और एक विधानसभा के लिए दो तीन मंत्री की जिम्मेदारी रहेगी एक विधानसभा सीट के लिए। और TV9 के पास हर सीट मंत्रियों की पूरी जानकारी भी उपलब्ध है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको बता रहे हैं, जिस सीट पर उपचुनाव होने हैं उस सीट पर 2 से 3 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप वहां पर इस बात को नजर रखेंगे कि इस सीट पर क्या कुछ अहम बातें हैं। और जिन 10 विधानसभा सीटों की बात हो रही है जिस पर उपचुनाव होने हैं, उन सीटों के बारे में आपको आइए जानकारी दे देते हैं। वो सीटें कौन कौन सी हैं और कौन कौन से मंत्री जिन्हें इस बात की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देखिए, करहल से आपको बता दें, अखिलेश यादव ने ये सीट छोड़ी और उसके बाद ये सीट खाली हुई। यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। करहल सीट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यादव शाख के वोटरों का ये गढ़ मानी जाती है करहल की सीट। इसके अलावा मिल्कीपुर जो कि SP की सीट ही है, अवधेश पासी ने ये सीट छोड़ी। इसके अलावा मिल्कीपुर की जो बारे में बताया जाता है, यहाँ पर 80,000 यादव मतदाता है, यादव वोटर्स हैं। एक और सीट जो कि SP की है, कठेरी, जो जहां पर लालजी वर्मा ने ये सीट छोड़ी है। आपको बता दें कि SC सुरक्षित सीट है, इसीलिए भी इसका पलड़ा भारी है। सीट पर 68,000 से ज्यादा दलित वोटर्स हैं यहां पर, तो इसीलिए मायने बहुत रखती है। कुंदर की जो कि SP की है, जियाउर रहमान बर्क से सीट ये छूटी है और इसी वजह से मुस्लिम बहुल ये इलाका जो कि सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और इसीलिए BJP के लिए स्ट्रैटेजी बनाना इस सीट पर जरूरी है। सीसामाऊ जो कि SP की सीट रही, इरफान सोलंकी की अयोग्यता से ये सीट खाली हो गई और उसके बाद जब खाली हुई तो उपचुनाव हो रहा है। मुस्लिम बहुल सीट है सीसामाऊ और इसीलिए नजर इस पर भी है। खैर सीट जो कि BJP के लिए अनूप प्रधान वाल्मीकि ने ये सीट छोड़ी। उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर जाट और जाटव बहुल इलाका है तो वोटर्स की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। गाजियाबाद की सीट उपचुनाव हो रहे हैं, अतुल गर्ग ने ये सीट छोड़ी और इसीलिए उपचुनाव हो रहे हैं। तो जाट दलित बहुल सीट है, इस सीट पर भी चुनाव हो रहे हैं, सांसद बन गए वो। उसके बाद फूलपुर की ये सीट प्रवीण पटेल ने ये सीट छोड़ी। ये सीट भी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य सांसद रहे हैं और जो अब डिप्टी CM है, ये इन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इसी पर ही अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी यूपी के मंत्रियों को सौंपी गई है। मीरापुर की सीट भी आपको बता रहे हैं, चंदन चौहान ने ये सीट छोड़ी है और उसके बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं। जाट गुर्जर बहुल ये सीट है, यहाँ पर जाट और गुर्जर वोटर्स जो है वो बड़ी संख्या में माने जाते हैं। इसके अलावा मंजुआ की सीट निषाद पार्टी की विनोद कुमार विंद ने ये सीट छोड़ी। उसके बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं और दलित वोटर असरदार इस सीट पर माने जाते हैं। हमारे साथ रोविंग एडिटर पंकज झा इस वक्त और ताजा जानकारी के बारे में जुड़ चुके हैं। पंकज, जो बैठक इस वक्त चल रही है उस बैठक के बारे में बताइए, क्योंकि मंथन लगातार हो रहा है और इस बार वो कोशिश छूटनी नहीं चाहिए BJP की जो इस बैठक में निकलकर सामने आ रही है। कल केशव प्रसाद मौर्य के साथ भी 1 घंटा बैठक चली है JP नड्डा की। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती यूपी में BJP के पास सामने में ये है कि पिछले 7 सालों से यूपी में BJP की सरकार है और देखें तो 2014 में से दिल्ली में BJP की सरकार है, डबल इंजन की सरकार आप इसे समझ लीजिए। लेकिन पहली बार कहीं ना कहीं BJP के घर में आपसी कलह बहुत बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही आपस में घमासान मचा हुआ है। अब ये जो विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो योगी सरकार के लिए BJP के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, क्योंकि यहाँ से ही उनको लगता है कि अगर इसमें हम परफॉर्म नहीं किए तो एक नैरेटिव बन जाएगा कि BJP जो इंडिया ब्लॉक कह भी रहा कि BJP अब ढलान पे है, उसके दिन निकल गए हैं। जिस तरीके से आज अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में कहा भी है
और जिस तरीके से पार्टी के अंदर नेताओं की आपसी गुटबंदी साफ दिख रही है, तो योगी आदित्यनाथ ने भी एक अलग तैयारी अपनी की। आप देखिए, इस बैठक में जो मंत्रियों को बुलाया गया है उसमें सहयोगी दलों आरएलडी के भी नेता हैं, मंत्री हैं अनिल कुमार, अपना दल के आशीष पटेल भी हैं, और आपको बताऊं कि संजय निषाद को भी इस बैठक में बुलाया गया है, ओम प्रकाश राजभर नहीं है। लेकिन ये तैयारी योगी आदित्यनाथ की अपनी लग रही है, इसमें संगठन को नहीं बुलाया गया, संगठन अलग तैयारी कर रहा है। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि संगठन और सरकार, जिसकी बात केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, दूसरे नेता कर रहे हैं, वो विश्वास की कमी वहाँ दिख रही है। हालांकि ये उपचुनाव की तैयारी को लेकर हो रहा है और योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि 10 में से अधिकतर सीटें जीत कर वो दिखाएं कि अब भी उनमें दमखम है, और चूंकि उपचुनाव सरकार का चुनाव माना जाता है इसीलिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है और मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं ये जानने के लिए कि कहां से क्या किया जाए ताकि वहां बीजेपी जीत ले, लेकिन संगठन के किसी भी जीत मिल सके बीजेपी को इस बैठक में नहीं। स्ट्रैटेजी पंकज बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं पंकज जा, कि स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी की, इसीलिए 10 सीटों पर 30 मंत्रियों को लगा दिया गया है ताकि आप जिस सीट का जिम्मा सौंपा गया है उस पर काम करिए और बीजेपी को जीत दिलाइए। ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी, मैं आऊंगी पंकज आपके पास।